इंडियन किचन क्रेविंग्स नवरात्र स्पेशल सीरीज में व्रत स्पेशल सीरीज में आज हम बनाने वाले हैं एकदम यमी क्रिस्पी स्नैक बॉल्स, समर के राइस के एकदम यमी बॉल्स। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। समर को हम मोरधन भी बोलते हैं और सामकिया भी बोलते हैं। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं समर के क्रिस्पी बॉल्स। व्रत के क्रिस्पी स्नैक बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर समा के राइस लिए हैं। एक कप हमने समा के राइस लिए हैं। इनको हमने अच्छे से भिगा दिया था और उसके बाद 4 से 5 घंटे हमने भिगाया था और उसके बाद कुकर में हमने 2 विसल लगाकर इन्हें बॉईल कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारे समा के राइस बॉईल हो चुके हैं। पानी एकदम भी नहीं है अभी इनमें। हमने यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट लिया है, आलू बॉईल करके 1 आलू हमने लिया है, हरी मिर्ची को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है बारीकी से काटा हुआ, हरा धनिया है, सिंघाड़े का आटा इसमें 2 चम्मच हम मिलाएंगे और व्रत में खाने वाला सेंधा नमक, काली मिर्ची और आधा नींबू का जूस हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्नैक बॉल्स के लिए डो बना लेते हैं। बोल में हमने बॉईल किए हुए आलू को पीसेस में कर लिया है। अब हमारे समा के राइस हम मिला रहे हैं। इसमें हम मिलाएंगे ग्रेट की हुई गाजर, 2 चम्मच हम गाजर मिला रहे हैं, 1/4 चम्मच हरी मिर्ची जो मिक्सी में हमने ग्राइंड कर रखी है, 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा, 1/4 चम्मच ये अपने स्वादानुसार मिलाइए, सेंधा नमक हम डाल रहे हैं आप अपने स्वादानुसार डालिए, नींबू का रस। अब इन सबको हम मिक्सी में एक बार चला लेंगे ताकि एक अच्छा सा हमारा डो मिक्स रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारा डो निकल के आया है मिक्सी से। अगर आपको डो थोड़ा ढीला लग रहा है तो आप सिंगाड़े के आटे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए अब हम इसमें मिलाएंगे बारीकी से काटा हुआ हरा धनिया और जो हमने थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट रख लिया था वो भी अब हम इसमें मिला देंगे। अब सबको हम मिक्स कर लेते हैं। हाथों को हमने थोड़ा ग्रीस किया है और इसके छोटे छोटे पोर्शन लेके हम बॉल शेप में बनाएंगे। आप चाहे तो बॉल बनाइए या और कोई शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। सभी को आप ऐसे ही बना लीजिए। अब इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं बॉल्स डाल दे रही हूँ। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और लगातार इनमें ऑयल डालेंगे। इसी तरह से चलाते हुए हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से कलर आ चुका है। हम मीडियम फ्लेम में ही इन्हें फ्राई कर रहे हैं ताकि अंदर तक ये अच्छे से सिक जाए। काफी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हमारे बॉल्स बन के आए हैं। सभी बॉल्स इसी तरह से रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, रेडी हो गए हैं हमारे वेरी यमी वेरी क्रिस्पी स्नैक बॉल्स, एकदम फराली रेसिपी। और समा के ये स्नैक बॉल्स आपने शायद ही कभी खाए होंगे और बनाए होंगे। एकदम यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। बस डो लगाने में सावधानी रखिए, अगर ढीला हो जाता है तो आप आटा उसमें अपने हिसाब से मिला सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम इसे सर्व कर रहे हैं मीठे दही के रायते के साथ, आलू चाट के साथ और व्रत की हरी चटनी के साथ। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कुक विद द बेस्ट।